तो नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद हम लोग आए हैं 6 लेन केबल ब्रिज को देखने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं ये 6 लेन केबल ब्रिज कैसा बना है, क्योंकि करीबन साल भर हो गया हम लोगों को आए। तो अब हम लोग देखा जाएगा कि ये ब्रिज कितना काम हो चुका है। ये 6 लेन केबल ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनारस के विकास के लिए, और बहुत सी विकास की वीडियो आप लोगों को हम लोग के चैनल पर मिलेगी, उसको भी देखिएगा और बताइएगा कि आप कहाँ की वीडियो चाहते हैं। तो अभी चलिए इसको देखते हैं कि कितना कार्य हो चुका है। ये 2023 में इसका कंप्लीट होने का याद है कि ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या कार्य प्रगति पे है, क्योंकि पिछली बार हम लोग आए थे तो ये जो खंभे ये साइड में आप लोगों को दिख रहे हैं ये थे नहीं, वो गंगा जी के उस पार वाले ही तक थे। चलिए बैक कैमरे से देखते हैं। तो देखिए अभी हम लोग पिछली बार आए थे तो यहीं तक वहाँ तक ही खंभा गड़ा हुआ था। तो देखिए कितना तेज़ी में और कितना अच्छा काम हो रहा है। तो देखिए अभी ये हम लोग संदाहा चौराहा पे हैं और इस साइड से हम लोग थोड़ा सा इस साइड चल रहे हैं जहाँ पे ये ड्रॉप हो रहा है, कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि एक अंदाजा मिल जाए आप लोगों को कि ये कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो जिस रोड पे भी हम लोग बाइक से चल रहे हैं ये है रिंग रोड फेज 2 का पैकेज 2, जो कि आपका संदाहा चौराहा से लेके वाजिदपुर चौराहा, वाजिदपुर चौराहा मतलब कि आपका एयरपोर्ट रोड बाबरपुर वाली रोड पे आपको छोड़ देगा। तो आप वहां से जो वाराणसी लखनऊ सुल्तानपुर वाला हाईवे है उसको पकड़ लेंगे। तो ये पहली तो मतलब ये इंटरकनेक्ट करता है रोड से, मतलब ये फायदा होता है जो बनारस में जो गाड़ियां आती थी अब ये डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएंगी, तो जो जाम लगता था वो नहीं होगा। तो ये यहाँ आपको बाबरपुर छोड़ता है। अब चलिए ऊपर चल के देखते हैं कि कितना काम हुआ है। तो अभी जो हम लोग 6 लेन केबल ब्रिज बनने वाला है वहाँ पे थे, और ये देखिए वो जो सामने अभी काम चल रहा है ये इसको नीचे बैंड कर दिया गया। अभी वीडियो में पीछे देखिएगा आप लोग। तो अभी ये देखिए यहाँ पे ये दोनों जो इंटरलॉकिंग को दोनों को एक्सचेंज को जोड़ा जा रहा है। तो अभी जोड़ने के लिए थोड़ा सा वहाँ पे काम बचा होगा, तो वहाँ पे काम बचा होगा उसके बाद जोड़ देंगे तो ये लगभग यहाँ तक की रोड क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अभी हम लोग आगे चलेंगे तो वहाँ पे भी देखते हैं कि कितना काम हो गया है। तो ये 6 लेन केबल ब्रिज मिल जाएगा तो उसके लिए भी बहुत से आसानी हो जाएगी। यहाँ से आप मुगलसराय बहुत आसानी से चले जाएंगे और चंदौली को भी ये जोड़ देगा भविष्य में। और ये वाला दोनों आपका जान रहे हैं कि इस साइड में हम लोगों के ये रिंग रोड फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों को जोड़ता है। तो यहाँ से फेज़ 1 आप पकड़ के जब चले जाएंगे आगे तो आप यहाँ से जो आपका लखनऊ वाला एक हाईवे है जो NH वहाँ पे भी जा सकते हैं, और एक इलाहाबाद वाला है उसको भी आगे जाके जब आप रिंग रोड फेज़ 1 वाला पकड़ेंगे तो आप इलाहाबाद और कलकत्ता वाला जो हाईवे है उसको पकड़ लेंगे। तो ये इंटरलेकिंग रोड मतलब बहुत अच्छी बन रही है, उसकी वजह से कि हम लोगों की जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। और उसका मेन पर्पज़ ये है कि जो आपका हम लोगों के बनारस में बहुत सी गाड़ियां जो एंट्री करके पहले जाती थी, जो क्योंकि उन लोगों को दूसरा आपका हाईवेज पकड़ने रहते थे तो वो बहुत ओवरलोडिंग जो बनारस की रोडों पे थी वो कम हो जाएगी। तो ये बहुत एक तरह से उपयोगी होगी और उसके बारे में अभी आगे और बात करेंगे, क्योंकि गांव वालों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। चलिए अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कितना इसका काम हो चुका है, तो उसको देखते हैं। अब देखिए जिस इस साइड से अब हम लोग चल रहे हैं पुल की तरफ गंगा जी के, तो इस साइड से हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ जिस इस साइड में हम लोग जाएंगे राइट हैंड साइड पे जहाँ से हम चल रहे हैं उसके, ये आप बनारस के लिए निकल जाएंगे। और इस साइड में आप गोरखपुर और अम्बेडकर नगर और नेपाल की तरफ जो रास्ता जाता है NH 233 उसको बोलते हैं, वहां निकल जाएंगे। और ये सीधे हम लोग जहाँ चल रहे हैं चंदौली की तरफ जिसको पुल मोड़ा जाएगा, मतलब जहाँ पे से पुल आ रहा है वहां तक जा सकते हैं। और ये देखिए कुछ डिटेल्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं कि MCC कंपनी जो आगे का निर्माण है ये पुल के आगे का, वो MCC कंपनी कर रही है। तो देखिए अभी हम लोग पिछली बार आए थे तो यहीं तक वहाँ तक ही खंभा गड़ा हुआ था। तो देखिए कितना तेजी में और कितना, देखिए ये पूरा अभी इस साइड से ये जो आपका देखिए कितना तेज़ी में काम हो रहा है, ये पूरा अब यहाँ पे बड़ा तेज़ी में, ये गैमॉन इंडिया बहुत तेज़ी में काम करवा रही है और बहुत ही सॉलिड काम हो रहा है। देख के ही कंस्ट्रक्शन समझ में आने लगता है कि कितने अच्छे और उच्च क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पास से भी थोड़ा सा दिखा है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है कि पहले 2024-23 तक इसको कंप्लीट होना था, 2019 में इसकी मतलब ओपनिंग हुई थी और ये 2024 तक इसको 23 तक कंप्लीट करके देना था। तो 23 तक तो नहीं हो पाएगा, यहाँ के एक छोटे इंजीनियर मिले उन लोगों ने हमको बताया। तो ये 6 लेन केबल ब्रिज हम लोग बोल रहे हैं बार बार, लेकिन ये हो सकता है 4 ही लेन बने। और ख़ास करके अभी ये 2024 तक ये जो है आपका इन लोग बता रहे हैं कि 2024 ही तक कंप्लीट हो पाएगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा। और ये जो बनेगा तो वो अभी 2 लेन करके चालू कर देंगे इनको, एक तरफ से जाने और एक तरफ से आने वाला, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आगे का काम धीरे धीरे हो सकता हो 4 लेन उसको एक साइड से और उसको 2 लेन और करें, तो ये टोटल 4 ही लेन हो पाएगा। कहने को तो हम लोग 6 लेन की थी लेकिन ये टोटल 4 ही लेन हो पाएगा। चलिए देखते हैं। और अब ये बताते हैं कि कितना चौड़ा है, कितना ये है कि टोटल जो लेंथ होगी एक साइड की वो 12 मीटर है, जिसमें से 3 मीटर आप साइड सर्विस जो चलते हैं लोग पैदल उसके लिए निकाल दीजिए और 1.5 मीटर का
आप और उसको निकाल दीजिए डिवाइडर के लिए, तो जितना बचा वो 7.5 मीटर वो लगभग आपका लेन होगा। तो 7.5 को आप डिवाइड कर दिए तो 2 हो सकता है उस पर लेन बनाया जाए, एक साइड से जा सके एक साइड से आ सके, भी उतना ही बनेगा। और ये है आपका पूरा व्यू। तो कोशिश हो रही है इन लोगों की भी कि 2023-24 तक इसको कंप्लीट करके दें। तो देखिए अब हम लोग जो चल रहे हैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि गंगा जी के पास तक कहाँ तक काम हुआ है, तो आप लोगों को एक अंदाजा मिल जाए कि ये कहाँ तक खंबे गढ़ चुके हैं और कितना जल्दी यहाँ पे काम हो चुकेगा। तो चलिए आपको प्रोजेक्ट के बारे में और बताते हैं कि ये गैमॉन इंडिया का प्रोजेक्ट है जो कि आपको 2019 15 फरवरी को मिला था इस कंपनी को। और गैमॉन ने ये पूरा ब्रिज बनाने का कंस्ट्रक्शन लिया, ये देखिए सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं। तो ये आपका जो पुल है वो पूरा गैमॉन बना रही है, उसके बाद फिर इनकी सहयोगी कंपनी एमसीसी जो जितना आगे की रोड है उसको बनाएगी। और इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 950 करोड़, और इसकी मियाद थी जो पूरी होनी थी इसको ये 26 मार्च 2023 तक इसको पूरा करके देना था, लेकिन कुछ कारणवश क्योंकि 2 बार कोरोना भी आ चुका है इसमें, तो उसके वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है प्रोजेक्ट, और धीरे धीरे काम हो रहा है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, तो ये अब हम लोग आगे की साइड से ये पुल की तरफ बढ़ रहे थे आप, इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे देखिए कितना काम हो चुका है। तो ये आप लोगों को एक अंदाजा मिल जाता है। और एक जगह रोकते हैं, जो जो अंडर पास है उनको अभी ज्वाइन नहीं किया गया, उसके पास पास के सामान नहीं बने, तो एक बार इसको चलिए देखते हैं। ये काम जो चल रहा था, तो अभी हम लोग इतने आगे आ गए, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बीच बीच में जो अंडर पासेस हैं उसको अभी पूरा बनाया नहीं गया है, तो वहाँ से कहीं कहीं बीच बीच में अंडर पास है, बीच बीच में रोड कहीं कहीं कंप्लीट हो गई है। तो अब ये धीरे धीरे जितने अंडर पासेस हैं उनको पूरा क्लियर किया जा रहा है। और ये जो आप यहाँ ग्रे ग्रे देख रहे हैं, ये आपको ग्रे दिख रहा होगा, तो ये फ्लाई ऐश मिला रहता है, फ्लाई ऐश से बनी वाली रोड है। तो थोड़ा ये जो हम लोगों के जो नॉर्मल रोड जो हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे जो नितिन गडकरी के अंदर में बन रही है, तो वो फुल्ली सीमेंटेड पूरा उसको ढलैया वाला बन रहा है, तो ये थोड़ी सी रोड उस वाली रोड से कमज़ोर होती है। तो लेकिन ये ठेके ठेकेदार पे डिपेंड करता है और कितना पैसा है क्या लगा हुआ है, तो उस हिसाब से बनता है। तो ये गैमॉन इंडिया को दिया गया है इसका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। जितने भी बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया ब्रिज हैं, इलाहाबाद का 6 लेन जो केबल ब्रिज है, जो केबल वाला ब्रिज है, वो भी गैमॉन इंडिया ने ही बनाया था, जब मुरली मनोहर सांसद थे वहाँ के, तब उन्होंने पास किया था। तो अभी देखिए यहाँ पे उस हिसाब से काम हो रहा है। और ये पूरा देखिए इस साइड से भी हम लोग जो आ रहे थे, इस साइड से पूरी रोड लगभग कंप्लीट हो चुकी है बीच बीच में। तो वहीं बीच बीच में जो अंडर पासेस हैं, जो अंडर जॉइंटिंग वाले पासेस हैं, उनको जोड़ा जा रहा है, और उसी के पास में थोड़ा थोड़ा काम बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी अभी इसको ये 3-4 बार इसको फोल्डिंग करेंगे, तो जितना अच्छे से इसको दबाएंगे तो उतने बढ़िया से पकड़ बनेगी। तो ये कुछ इस टाइप से होने के बाद देखिए इतने ऊपर से फिर मोटी गिट्टी बिछती है, उसके बाद फिर पतली गिट्टी बिछेगी। तो अभी चलिए चलते हैं थोड़ा सा नदी के पास तक चलते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे पूरा काम हो रहा है।